इंसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निपुण कलसोत्रा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। या थैंक यू जी। सर आपके अभी तक की शुरुआत कैसे रही, आपकी मेडिकल फील्ड की अगर बात की जाए, इसकी शुरुआत कैसे रही, आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की? देखिए, मेरी स्कूलिंग तो जम्मू से ही हुई है, तो शुरू से एक्चुअली हमारे फैमिली में बहुत डॉक्टर्स थे, तो थोड़ा बहुत था माइंड में कि इसी फील्ड में जाना है। तो हमने जब 12th पास की तो एंट्रेंस दिया, तो सिलेक्शन वगैरह हो गई, तो फिर माइंड में तो पहले भी था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट था ही शुरुआती टाइम से ही कि हमने थोड़ा सा MBBS करनी है। तो उसके बाद MBBS की मैंने, फिर जम्मू से ही की मैंने। MBBS करने के बाद हमारी इंटर्नशिप होती है एक साल की, वो करने के बाद फिर हमारा PG का एंट्रेंस होता है, तो उस पर मेरी सिलेक्शन हो गई, मुझे अच्छा रैंक आया। तो मुझे शुरू से शौक था कि थोड़ी कोई सर्जिकल ब्रांच लेनी है, थोड़ा सा माइंड में इंटरेस्ट था कि सर्जरी करनी है। तो और इंटर्नशिप के टाइम थोड़ा मेरा इंटरेस्ट आर्थो में बन चुका था, फिर मैंने सेलेक्ट की कि मैं आर्थोपेडिक्स ही लूँगा। तो मैंने फिर अपनी MS की आर्थोपेडिक्स में, ये मैंने यहीं से जम्मू से ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से की। 2011 में मैंने ये फिनिश की अपनी MS। तो उसके बाद मेरी थोड़ी फील्ड पोस्टिंग हो गई, कुछ महीने मैं जोड़ियों हॉस्पिटल में मैंने काम किया, कोई 5-6 महीने एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हो गई एज सीनियर रेजिडेंट रजिस्ट्रार ऑर्थोपेडिक्स में GMC में। कोई 3.5 साल मैं फिर GMC में ही काम किया मैंने एज रजिस्ट्रार ऑर्थोपेडिक्स के डिपार्टमेंट में। तो जब मेरे वो 3 साल पूरे हुए तो मैं इस दौरान ट्राई कर रहा था कि कहीं थोड़ी सी बाहर से भी, फॉरेन से भी थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए। तो मेरी सिलेक्शन हो गई फेलोशिप के लिए। ऑर्थोपेडिक्स की भी आगे स्पेशलिटीज़ होती हैं फर्दर, जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, आर्थोस्कोपी हो गई, हैंड सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ये 5 स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो मेरा ज़रा इंटरेस्ट था जॉइंट्स में, खासकर आर्थ्रोप्लास्टी में जिसमें बोलते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट करना, और आर्थ्रोस्कोपी में जिसमें हम दूरबीन से हम बटन होल सर्जरीज करते हैं जॉइंट्स की। तो लकीली मेरी उसी में मुझे आगे ट्रेनिंग करने के लिए जर्मनी में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो कोई 6 महीने मैंने वहाँ पर जर्मनी में ट्रेनिंग की है जॉइंट से रिलेटेड, जॉइंट रिप्लेसमेंट में और आर्थ्रोस्कोपी में। तो वहाँ का मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा, वहाँ काफ़ी एक अच्छे सेंटर में हमने काम किया और काफ़ी एक्सपोजर मिला और काफ़ी कुछ करने को वहाँ के सर्जन ने हमें सिखाया। तो वो जब मैं करके वापस आया तो मैं फिर यहीं पे जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरी सिलेक्शन हो गई एज कंसल्टेंट आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। फिर मेरी जो पहली पोस्टिंग थी वो मेरी रही है अखनूर हॉस्पिटल में, वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल काम किया। तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो हमने काफ़ी सर्जरीज वहाँ पे की जो चीज़ें वहाँ नहीं होती थी। खासकर मेरा इंटरेस्ट था आर्थोस्कोपी में, तो मैंने अपना पर्सनल आर्थोस्कोप परचेज किया क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो इस चीज़ की सुविधा नहीं थी। तो वहाँ पे हमने आर्थोस्कोपीज करना स्टार्ट की, काफ़ी केस किए हमने और काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। फिर उसके बाद मेरी पोस्टिंग अभी सरवाल हॉस्पिटल में आजकल पिछले कुछ 7-8 महीनों से है, तो यहाँ भी हम अच्छा काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हर टाइप की सर्जरी कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा की सर्जरी, कोई हड्डी टूटी है उसको जोड़ने का काम, प्लेटिंग, नेलिंग, और ख़ास का जो मेरा शौक था आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट में उसको भी थोड़ा सा हमने कायम रखा हुआ है। तो यहाँ भी हमने काफ़ी आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज की हैं रिसेंटली। लास्ट वीक हमने एक यहाँ पे आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन भी किया है, तो अच्छा लग रहा है। तो बचपन से आपने सोचा था कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है? हाँ, बचपन से बेसिकली हमारी फैमिली में डॉक्टर्स बहुत है, तो वो फिर शुरू से थोड़ा माइंड उस तरफ से था कि हाँ इसी फील्ड में रहना है, फिर थोड़ा इंटरेस्ट पहले से भी था, तो आगे थोड़ा सा फिर किस्मत ने भी साथ दिया, सब कुछ आराम से होता रहा। तो कहीं अचीवमेंट्स आपको मिले और कहीं जगह आपकी पोस्टिंग भी हुई है, उन सब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हम कहीं भी नई नई जगह जाते तो हमारे लिए सेटल होना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो आपके लिए कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? देखिए, प्रॉब्लम्स तो हर जगह थोड़ी बहुत आती ही हैं, प्लस जो हमारा गवर्नमेंट सेटअप है काफ़ी हॉस्पिटल हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, बट हर जगह पे हर टाइप की फैसिलिटी देना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं होता जी। हाँ, जो हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है कोशिश करता है कि हर जगह फैसिलिटी हो, बट बहुत ही हमारी स्टेट वास्ट स्टेट है, जो टेरेन है बहुत ही डिफरेंट जगह पे है, तो हर हॉस्पिटल में हर फैसिलिटी देना पॉसिबल नहीं है। और खासकर आज के कल के ज़माने में जो हमारा मेडिकल फील्ड है बहुत ही वास्ट है, आगे स्पेशलिटीज़ हैं उनकी, आगे सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, तो हर जगह तो गवर्नमेंट नहीं दे पाती, बट स्टिल जितने भी रिसोर्सेज हों उनको अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करो तो काफ़ी कुछ किया जाता है।
कई सर्जरीज आपने की हुई है, कितनी सक्सेसफुल हो रही है, और लोगों की अगर बात की जाए तो किस तरह का रिस्पांस उनके द्वारा मिला आपको? देखिए, हम तो आंतों की हर टाइप की सर्जरीज कर रहे हैं, जो ट्रॉमा होता है, हड्डी का टूटना, फ्रैक्चर, वो तो कॉमन सर्जरीज हैं, तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा हमने आर्थोस्कोपीज करना स्टार्ट की हैं, रिजल्ट उसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। जिस भी पेशेंट की हमने की हैं अभी तक, जो रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है। जी, और जिस तरह से आपके द्वारा न्यू चीज़ जो है लॉन्च की गई थी और काफ़ी पेशेंट्स को आपने ट्रीट भी किया है, तो उनका कैसा रिस्पांस है? और सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहेंगे जो जिस नई चीज़ से आप ऑपरेट करते हैं। हम जो आजकल इसको हम बोलते हैं प्रोसीजर को आर्थ्रोस्कोपी। जी, जैसे लोग पेट की सर्जरी करते हैं लेप्रोस्कोपी, आजकल गाल ब्लैडर की सर्जरी बहुत फेमस है, अपेंडिक्स की फेमस है, उसी प्रकार की सर्जरी हम जॉइंट्स की करते हैं। जॉइंट्स को हमें खोलना नहीं पड़ता, हम बटन होल छोटे छोटे दो इंसिजन से अंदर कैमरा दूरबीन डाल के, इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्जरी करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि जॉइंट को खोलना नहीं पड़ता, तो सर्जरी के बाद पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। कुछ सर्जरी में हम ये है कि आज सर्जरी की, शाम को या कल सुबह हम पेशेंट को का चलना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपना ड्यूटी रिज्यूम कर सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम आती है या वो सक्सेसफुल आपका ऑपरेट जॉब? इसके जितने भी हमने केस किए हैं रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, पेशेंट के जो रिजल्ट्स हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल है बहुत ही अच्छा। अभी तक कितने पेशेंट्स आपके पास आ चुके हैं? हमने अभी तक जो ये सर्जरीज की हैं, हमने कोई 18 से 20 हम सर्जरीज कर चुके हैं पिछले कुछ महीनों में, और ऑलमोस्ट हर पेशेंट का रिजल्ट अभी तक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा है। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि आपका जो गोल था, जिस जगह आप जाना चाहते थे, आपको वो चीज़ मिली भी, अगर आपके स्कूल टाइम की बात की जाए या कॉलेज टाइम की बात की जाए, इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आप करते थे, किस चीज़ में आपका रुझान ज़्यादा था? हर किसी का अपना एक कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का शौक होता है। जी। तो ज़्यादा मेरा शौक रहा है शुरू में, मेरा बचपन से ही ना, थोड़ा मैं ये स्टैम्प कलेक्शन करता था, कॉइन्स कलेक्शन करता था, मुझे थोड़ा ट्रेवलिंग का बहुत शौक था, तो ज़्यादा मेरा जो एक्स्ट्रा टाइम था मैं इन्हीं एक्टिविटीज़ में मैं व्यतीत करता था मैं। जी, तो अगर बाकी बच्चों की बात की जाए या आज के यूथ की बात की जाए, वो अपना एक नहीं रखते मोटिव कि मुझे इस फील्ड में जाना, जैसे आपने शुरू से बताया कि आपका बैकग्राउंड भी ऐसा था तो आप इसमें गए, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो अपने जो है एम बदलते रहते हैं, उनके वो सोचते कभी ये बोलेंगे, ऑप्शन रखते हैं, उनके लिए कैसे अचीवमेंट किस तरह से हासिल की जाए, कुछ टिप्स अगर आप दे सके तो? देखिए, हमारे टाइम आज से लगा लो 10 से 15 साल पहले लाइफ डिफरेंट थी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जो हम लोग जैसे 12th में पहुँचते थे तो दो ही स्ट्रीम लोग ज़्यादा कहते थे कि हाँ भाई, यहाँ इंजीनियरिंग करो या डॉक्टर बनो, या हाँ कोई किसी को इंटरेस्ट हो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड तो IAS KAS कर लो। बट आजकल जो है लाइफ बहुत ओपन है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, तो मल्टीपल और भी फील्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। तो मैं तो यही सबको एडवाइस दूंगा कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको आप सोचो, समझो, थोड़ा सा उसकी तरफ सोचो, और जिसमें आपका इंटरेस्ट बनता है आप वही फील्ड, वही लाइन चुनो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ज़्यादा फायदा है, दूसरे में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी लाइन में जाओ बट उसमें आप एक्सेल करो, एक्सेल करोगे तो आगे कोई लिमिट नहीं है, फ्यूचर हर एक फील्ड में है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से उसको डेवलप करते हो, कितनी इसमें मेहनत करते हो आप। जी सर, उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो अगर गर्ल्स की बात की जाए उन्हें नहीं आके बढ़ने देती, रिमोट एरियाज़ की अगर बात की जाए, या उन पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो अपने बच्चों को आगे, सिर्फ जो चाहते हैं कि लड़के ही आगे बढ़े, लड़कियां ना बढ़े? देखिए, वैसे तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, आजकल जो पेरेंट्स हैं गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, वो टाइम पहले था जो लोग ज़रा लड़कियों पर इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट ऐसा नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि लड़का लड़की तो एक ही जैसे होते हैं, तो उनका जो भी जिसमें इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को उनको डेवलप करने दो, उनको किसी पर्टिकुलर लाइन में फोर्स नहीं करो, अगर आप फोर्स करोगे तो वो उसको आगे से अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है उसको आप उनको थोड़ा सा हेल्प करो कि वो उसी साइड उसी फील्ड में ग्रो कर पाए। जी सर, हमें कामयाब बनने के लिए कुछ टिप्स आज के यूथ को? मैं तो एक यही बात बोलूँगा कि अगर आप कुछ चाहते हो कुछ करो, किसी भी फील्ड में कुछ करो, बस अपनी थोड़ी डेडिकेशन शो करो। दो ही चीज़ें हैं, एक हार्डवर्क और डेडिकेशन, जिससे आप एक्सेल कर सकते हैं। अगर आज के यूथ की बात की जाए ना, वो हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क प्रेफर करते हैं, तो ये कितना सही रहता है, कहाँ तक सही रहता है? अगर कोई लॉन्ग टर्म में कुछ अच्छा करना चाहता है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। कोई हार्डवर्क करके बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, तो हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो स्मार्ट वर्क के लिए क्या कहेंगे आप? देखो, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, बट हार्ड वर्क का मैं यही बोलूँगा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हाँ, आज के ज़माने में काफ़ी फास्ट है, हर चीज़ फास्ट है, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट टेलीविजन्स हैं, सब कुछ है। हाँ, स्मार्टनेस भी ज़रूरी है,
बट हार्डनेस के साथ। सर जिस तरह एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अब सर्दियां शुरू हो रही है, घुटनों की दर्द आम हो जाएगी अब आगे जाके, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इससे बचाव के लिए? हाँ हाँ, देखिए जो भी पेशेंट होते हैं जिनको आर्थराइटिस होता है, जॉइंट्स पेन है, खासकर जो सर्दी का मौसम है, खासकर जो ये हर किसी को हाँ, जो ये महीना जो सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, ये पेन्स फिर से निकलती हैं, ज़्यादा होती हैं, खासकर जब ये मौसम चेंज हो रहा है, जो ये ट्रांजिशन का टाइम होता है। मैं यही लोगों को एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा ऐसे अब वेदर चेंज हो रहा है तो अपने आप को ठंड से थोड़ा प्रोटेक्ट करो। ऑइंटमेंट अगर आप प्रेफर करना चाहें, देखिए ऑइंटमेंट तो वो कोई भी लगा सकते हैं, कोई इसमें वो पर्टिकुलर नहीं है, बट बेटर है कि प्रिवेंशन उसकी करो, अपने को ठंड से थोड़ा बचाओ, डाइट अपनी हेल्दी रखो। जी, हमारे माध्यम से जो भी व्यूअर्स आपको देख रही है, क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा, एक तो रिलेटेड टू फ्यूचर की कोई क्या करना चाहता है, जो भी यंगस्टर्स हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें अपना इंटरेस्ट बनाओ, उसको अच्छे से डेवलप करो, मेहनत करो, आगे कोई लिमिट नहीं है आपकी। पेरेंट्स को भी यही बोलूँगा कि अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है देखो उसका इंटरेस्ट किस में है, उसी में उनकी तरफ फोकस करो, उनको फोर्सफुली कुछ नहीं कराओ। डॉक्टर, इंजीनियर, इसके अलावा भी बहुत प्रोफेशन है जिसमें बहुत स्कोप है, कोई लिमिट नहीं है, तो बच्चा जिस तरफ जाना चाहता है उसको जाने दो। दूसरा, पेशेंट्स जो हैं, मरीज हैं खासकर आर्थो के, जॉइंट्स के, तो ये जो सीज़न चेंज हो रहा है आजकल, सर्दियां आ रही हैं तो जॉइंट की पेंस वगैरह ये थोड़े से बढ़ती हैं, तो अपने आप को थोड़ा वेदर से, ठंड से प्रोटेक्ट करो और एक बार ये चेकअप ज़रूर करा लीजिए। हाँ हाँ, जो भी पुराने आर्थराइटिस के पेशेंट हैं अपने डॉक्टर को एक बार दिखाओ, रिव्यू कराओ, तो ज़्यादा पेन किलर्स, दर्द की दवाइयाँ मत खाओ, बेटर अपनी हड्डियों की हेल्थ बनाए रखें, उसके लिए अपनी डाइट अपनी अच्छी रखें। सर, वो क्या कुछ हमें खाना चाहिए सर्दियों में, अगर आपने जॉइंट की बात की जाए, बोन्स की बात की जाए? देखिए हाँ, इसलिए तो वेदर का तो किसी को लिंक नहीं है, बट हेल्दी बोन्स के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं, एक तो कैल्शियम, दूसरा प्रोटीन्स। कैल्शियम का जो अच्छा सोर्स है आपके मिल्क हो गए, मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, दही, पनीर, ये रेगुलर सबको लेना चाहिए, खासकर बच्चों को जिनकी बोन्स ने ग्रो करना है। बाकी उनको प्रोटीन्स के सोर्स भी थोड़े बढ़ाने चाहिए, प्रोटीन्स आपके होते हैं ज़्यादा पल्सेस में, स्प्राउट्स में, न्यूट्री, सोयाबीन, खासकर जो नॉन वेज के फूड्स हैं जैसे एग वाइट हो गया, चिकन हो गया, तो प्रोटीन वाले फूड भी लेने चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सर के सफ़र के बारे में हमने जाना, वो कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा, तो इसी को लेके अगर आप में भी कुछ करने का अगर जज्बा है तो उसी फील्ड में आगे जाइए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए कि हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं कुछ अच्छा ही करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।